नमस्कार दोस्तों, अब से दो दिन पहले भारतीय सेना में एक हथियार शामिल हुआ है और ये हथियार नहीं है, एक मास्टरपीस है। और ये मास्टरपीस इसलिए है क्योंकि इसे दो देशों की प्राइम टेक्नोलॉजी को मिलकर बनाया गया है। जी हाँ, भारत ने इसे इज़राइल के साथ मिलकर बनाया है और आप सभी जानते हैं कि इज़राइल का तो नाम ही काफ़ी है, क्योंकि इज़राइल जो टेक्नोलॉजी बनाता है ना, वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करती है और इज़राइल के हथियार बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं। इस हथियार की सबसे खास बात यह है कि इस हथियार को भारत और इज़राइल दोनों ही देशों ने मिलकर बनाया है और इसको दोनों ही देश की सेना यूज़ करेगी, यानी अपनी सेना में एक बड़े लेवल पर इसका यूज़ करने वाली है। तो दोनों ही देशों ने इसमें अपनी जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है ना, उसको इस हथियार में डाला है ताकि इस हथियार को सबसे बेस्ट बनाया जाए। तो दोस्तों, जिस हथियार की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये पाकिस्तान के सभी मिसाइल और फाइटर जेट सभी को अकेला ही धूल चटा सकता है, क्योंकि इस सिस्टम की खास बात ये है कि इसका निशाना 100% एक्यूरेट है। हालांकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम रखी गई है, क्योंकि किसी भी डिफेंस सिस्टम की जितनी ज़्यादा रेंज होगी उसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होगी। इसलिए इसकी एक्यूरेसी को सबसे बेस्ट बनाने के लिए इसकी रेंज को बहुत कम रखा गया है। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है ना, वो इज़राइल और भारत ने मिलकर सबसे बेहतरीन जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की है, जैसे कि एडवांस रिडार हो गया, कमांड एंड सिस्टम कंट्रोल हो गया, मोबाइल लॉन्चर हो गया। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी काम करता है और इसमें इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन की मिसाइल को मार गिराने के लिए ही इंटरसेप्टर का यूज होता है। और इतने सारे कॉम्पोनेंट इसमें इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं ताकि इसमें कोई भी कमी ना रह जाए। इसकी रेंज बढ़ भी सकती थी, पर रेंज को बढ़ाने के कारण इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती, इसलिए इसकी रेंज को 70 से 100 किलोमीटर ही रखा गया है। लेकिन इसकी रेंज जो है उससे दुश्मन की कोई भी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर कोई भी आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। इस डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए भारत की तरफ से DRDO और इज़राइल की तरफ से IAI को शामिल किया गया था। हालांकि कुछ छोटी कंपनियां भारत और इज़राइल की भी इसमें शामिल थी, जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग दिया है। तो बात आती है इसको डिप्लॉय करने की। इसको सबसे पहले राजस्थान के जैसलमेर में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम की रेंज कम है। इसे अगर कहीं दूर डिप्लॉय किया गया होता तो ये काम नहीं कर पाता, लेकिन जैसलमेर पाकिस्तान के नज़दीक होने के कारण ये पाकिस्तान से आने वाले किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को भारत में घुसने नहीं देगा, क्योंकि इससे बच पाना मुश्किल है। और भारत के पास पहले से अपनी आकाश मिसाइल है, जिसकी रेंज बता दूं आपको, आकाश मिसाइल की 40 किलोमीटर की रेंज है। और आने वाले टाइम में भारत के पास S-400 भी होगा, क्योंकि तीनों सिस्टम जब भारत के पास होंगे तो सीमा के अंदर दुश्मन की कोई भी मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन वो घुस नहीं सकता, क्योंकि अगर MRSAM की रेंज में नहीं आया तो वो आकाश मिसाइल की रेंज में ज़रूर आ जाएगा। और अगर आकाश मिसाइल से भी बच गया तो S-400 से तो उसका बचना नामुमकिन ही है। इससे हमारे को श्योरिटी हो जाती है कि 100% हम सेफ हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी और आपका इसके ऊपर क्या मानना है, आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।